नाम पे शादी नहीं है। मेरा जोक सुनो, मुझे इसकी लेमनेस पे हंसी आ रही है जोक पे। यहाँ पे तो डक्की की तादाद लगी है, सेल लगी हुई है यार। यार आप ही टैंक दो तो। मेरा प्रोफेसर की तरफ से थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी कोई भी नई वीडियो का फौरन से पता चल जाए। और आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल बर्थडे पार्टी पे जो के है डकी भाई की, और हम उन्हें क्या गिफ्ट करने वाले हैं ये भी एक सरप्राइज है, क्योंकि थोड़ी बहुत छानबीन करनी पड़ेगी उनको, कुछ ऐसा गिफ्ट देना पड़ेगा जिसकी उन्हें इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है, जो उनके काम भी आ सके। सो पहले रेडी होते हैं, फिर गिफ्ट खरीदने जाते हैं एंड देन बाकी की चीजें आपको दिखाती हूँ साथ साथ। और ये देखे मेरी अम्मा भालू बन के खड़ी हुई है यहाँ पे, और मुझे बताया था ना सर्दी आ गई, जी एक्स्ट्रा ठंड आ गया, मुझे बताया मैं क्या कपड़े पहन के जाऊँ, मेरे पास टाइम कम है, हम लोगों ने कोई घंटे के अंदर अंदर निकलना है, तो मुझे कोई ड्रेस रिकमेंड करते हैं जल्दी से। एक कोट पहनो, मेरी तरह टोपा लो, नीचे जोगर पहनो। टोपा लेके डक्की भाई बन जाऊँ। टोपा लेके डक्की भाई बन के डक्की भाई की बर्थडे में जाते हैं। टू टोपा लिया, कोई नहीं जज कर सकता क्यों लिया, क्योंकि आज हम टोपी वाले की बर्थडे में जा रहे हैं, राइट। तो अभी मामा थोड़ा मुझे ड्रेस में हेल्प करेंगे, जिसकी बर्थडे उसने टोपी लेनी है और तुम लोग टोपी लेना बनता है, हमारा टोपी लेना बनता है क्योंकि ठंड भी है, ठंड भी है, तो भाई टोपा नहीं लूंगी लेकिन गंजी थोड़ी हूँ। प्यारा सा टोपा दे, चले ठीक है, इतना प्यारा देना कि मुझे हेयर स्टाइल की जरूरत ही ना पड़े। डन, चले अब हम रेडी होते हैं। ओह माय गॉड, और ये रेडी होके इधर ही बैठ गए, तुम किस खुशी खुशी में, खुशी खुशी पहनाते ना दिया कहना। मुझे बता दो मैं क्या पहनूं, मैं क्या थीम दूं, मुझे कुछ कोई पता है, कुछ थीम पार्टी है, हाथों में गजरे पहन के जाना। थीम पार्टी है कि किसी का माइयों और है डकी भाई का माइयों, टोपियां लेके जाओ, ये भी थीम पार्टी अच्छी बन सकती है, डकी भाई को ये रखना चाहिए था टोपी पार्टी, पार्टी अपने हाथों में अंडे लेके जाने। भाई वैसे हम डकी भाई को अंडे भी गिफ्ट करते हैं, सारी स्कीमें इधर ही बता दे चीख चीख के। खैर रेडी होते हैं, कुछ आइडिया दे दो क्या पहनना। सजेस्ट करती हूँ कि तुम ना मेरी तरह का कोई लॉन्ग कोट पहनो, लॉन्ग कोट कुछ डिफरेंट कलर में, क्योंकि फार्म पे शादी है तो एक्स्ट्रा। अम्मा फार्म पे शादी नहीं है। सही बात है, इतनी ज्यादा इतने इवेंट्स अटेंड करके ना आपके माइंड में भी शादी कहीं ना कहीं स्टक हुई हुई, और हमें उसे उभरने में भी टाइम लगेगा। तो चलो भाई लॉन्ग कोट पहनते हैं जैसा फातिमा ने सजेस्ट किया। ओके गाइस, ऐसे ही मैंने मामा से कहा कि मामा जी मुझे ना शॉपिंग के लिए जाना है, तो मम्मा ने मुझे टोपी पहना दी, ये पहन के जा बाहर बहुत ठंड है, तो भाई इस होली में मामा जाके शॉपिंग करूंगी, मैं लग रही हूँ कि मैं। ओके गाइस, तो मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, और मेरे पास यहाँ पे मुझे अम्मा ने टोपी के साथ साथ दे दी है इतनी खूबसूरत सी शॉल विच इज़ फ्रॉम रेन क्लोजेट, और इस टोपी के साथ मैं लेके जाऊँगी ये शॉल, और इसके साथ हम करेंगे शॉपिंग। अगर आपको भी ये शॉल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाके परचेज करें। बाय। तो गाइस मैं क्या शगुफा बन के जा रही हूँ, पहले अपने बहनों को दिखाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो नहीं हंसेंगी। ठीक है, लेट्स गो। किधर बैठना है, चलाक औरत, आगे पीछे हो जाओ। भैया हम लोग फिट इन होते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने, यहाँ पे है फातिमा ड्राइवर, और ये प्रोमैक्स लग रही है, ये अम्मा ने बनाई, कहती है ले ले। मन के आ रही थी। I am पप्पू। तो यहाँ पे बैठ के मैं, राबिया और जैनब, हम लोग फातिमा अपना गिफ्ट पैक करवा रही है और हम वेट कर रहे हैं, यहाँ से हम निकलेंगे अपना गिफ्ट लेने। मेरा जोक सुनो। कि एक लड़की थी, उसने बालों पे अंडा लगाया, अभी इसने अपना सर धोया गर्म बाल पानी में, उसके बालों पे अंडा फिराया। मुझे इसकी लेमनेस पे हंसी आ रही है जोक पे नहीं, फातिमा ने जो अपना गिफ्ट था वो ले लिया, हमने अपनी पेट पूजा कर ली है, लिटरली नो वन, बट ज़ैनब का हर बार ये लाल पापड़ लेना परमानेंट है, इतने तो हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ पे गिफ्ट लेने? तुम्हारा? मेरा नहीं, भाई का। डकी भाई का गिफ्ट लेने निकल रहे हैं, और क्या लेंगे वो सरप्राइज नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या लेना है, तो वहाँ जाके पता चलता है। ओके गाइस, तो मैं पहुँच चुकी हूँ गिफ्ट लेने इन शूज के साथ। रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैंने शूज चेंज नहीं किए हैं, जो कैप पहनी थी वो मैंने रखवा दी है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, क्या भेज दो देखो।
सेम सेम तुम मैं पार्टनर ये हम लोग निकलते हैं गिफ्ट लेने आजो मैं घूमना था ओए इस गिरा दिया मैंने खाली देख के गाड़ी लग जाएगी चल 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 वो पार्किंग करे और राधा मैडम को गाड़ी लगने लगी लेट्स गो जल्दी चलो इतना लेट तुम्हें किसको नाम करने वाली वाकई क्या और मैंने पूछा ब्रांड वाले वीडियो बना देते हीरा कहती हाँ जी अपना ही है मैं पता क्या कह रही थी मिस्ट्री बॉक्स बनाने बैठी लुटी जाओगी टोपी कभी बहन को तो मिस्ट्री बॉक्स नहीं दिया आज तो मिस्ट्री बॉक्स देना याद आ गया कैप वगैरह लेते हैं आ जाओ क्या ले कैप ले लो क्या ले ले कैप हीरा ये देखो ये इतने सारे डक्की खड़े हैं ओए यहां पे तो डक्की की तादाद लगी हुई है सेल लगी हुई है यार असली असली वो इसकी कैप्स नहीं गंजों के लिए कैप गंजों के लिए कैप्स चाहिए ये बोलो नॉट फॉर बॉयज हीरा ये लड़कियों की ऊपर साफ फूल बना हुआ है मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई ये ले लो ये रखो इसको वापस इधर आप क्या दिखाने जा रही हो इधर आओ मैं कह रही थी ये वाली कैप है हीरा ये लड़कियों की कैप है क्या हो गया हीरा ने उनका सामान नहीं ले लिया सामान फेंकने के बाद ये प्यारी है हीरा ये ऊपर मोती लगे हुए हैं लड़कियों की है ये भी तो अच्छी है यार फुल ब्लैक में ये ले लो तो उनके सर पे गंज के ऊपर गंज बनी शॉपिंग करने जा आ जाओ क्या मतलब ये वापस खड़ी रहो नहीं अलाउड नहीं है शॉपिंग करना और हम इधर से शॉपिंग करके कपड़े पहन लेंगे नहीं शॉपिंग करना अलाउड नहीं पूरी हाथ हो जाएगी जितना मर्जी बड़ा हाँ ये अच्छी है फिर ये ले लो लेकिन उनके सर पे घुटना है वो घुटना खैर है वो उतारते फिरेंगे ये अच्छी है गर्म भी है आ जाएगी सबसे बड़ा फसल तुम्हारा पहन के ना के दिखाऊं चलो वैसे हम लोग तो अभी निकलने लगे मेल जैकेट चाहिए आज हमें मेल की शॉपिंग करनी है मैं मेल चाहिए ओ मैंने टोपी भी ली थी हाँ करवा लो मैं आ रही हूँ मेरा कार्ड गाड़ी है पिछली दफ़ा 800 लिया था 1200 हो जाएगा मुझे बस में बैठ के तूने मेरे से 10 रुपये लिए थे ना इसको वो भी याद है जैकेट भी अच्छी है आज तो आपकी टोपी हमने ले ली है और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे पता चला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि और क्या लो तो मुझे लगा कि उनके सर को टोपी की ज़रूरत है ठंड में तो हमने एक कैप ले लिया तो बाकी की चीज़ें बाद में ले सकते हैं लेट हो रहे हैं चलो जल्दी करो ओके गाइस तो हम लोग बैठ चुके हैं अब हम लोग होने लगे हैं लेट्स गो टू आवर डेस्टिनेशन तो सब गो पहले तुम क्या अमेरिका जा रही हो मेरा ख्वाब पूरा हो गया ये यहाँ पे बैठी हुई है इसको अपनी वीडियो के अभी पार्टीशन पड़े हुए और गाइस गेस करें टाइम क्या हो गया है बहुत रात हो चुकी है और मैं रेडी होकर झटपट से रेडी होकर अपनी मैंने नो मेकअप लुक नो मेकअप एक्स्ट्रा ब्लश लुक बनाई है क्या आप बाबा जी अपनी ला 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 की पड़ी हुई निकलो जल्दी एट द मोमेंट इनके मेकअप ही नहीं खत्म होते मैं देखो मैं कब से रेडी नहीं हुई थी मुझे देखो सिर्फ टिंट की दुकान बन के जा रही हूँ यार मैं कब से रेडी नहीं हुई थी मैं तो कुछ हुआ ही नहीं मुंह धोकर आई हूँ मुंह धो के आई और ये इतनी खूबसूरत है इसकी चलाकी से प्राइस भी छुपा दी है ठीक है महंगा है जस्ट किडिंग और अब हम इसको डाल रहे हैं बीच में जो हमने फिर आप ही कॉर्पोरेट लॉयर लग क्या लग रही हो कॉर्पोरेट लॉयर Lawyer, I'm a lawyer, और be aware of me. और ये हम लोगों ने कुछ prank की चीज़ें ली हैं वहाँ जाके ये मेरा आइडिया था ये हम वहाँ जाके पुट करेंगे इसको मैंने अपनी पॉकेट में डाल लेती ताकि मैं भूल ना जाऊँ चलो let's go. यार ये भी ब्लैक है पेन भी ब्लैक है क्या करूँ अच्छा हमें ना बहुत अर्जेंटली पता चला था कि डकी भाई की बर्थडे और मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या लेना तो फटाफट मैंने एक चीज़ ले ली है कैप ले ली है जो आपको दिखाई है बाकी के जो गिफ्ट्स उनके पेंडिंग है उनसे पूछ के कि क्या उनको पसंद है वो बाद में उनको गिफ्ट देंगे तो भाई हम लोग का पैकेज बन के घर से निकल रहे हैं मिलते हैं गाइस तो हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हाय
ऐसा पकड़ा फिर आपको रास्ते में, पहचान लिया मैंने ना ऐसे पीछे से नजर आ रहे थे बाल, मैंने कहा हाँ ये वही लोग है। ओह माय गॉड, इसको देखना जरा, सुर्खी लगा रही है, सुर्खी लिपस्टिक। हेलो, तुम तो पूरी देसी मुटियार बन के आई हुई हो हैं? मैंने कहा दो दिन जरा शादी की वो चीज पूरी कर लूं, और हम लोग जोको लोमा बन के आए हुए हैं। यार लड़कियां आपके साथ लिपस्टिक्स क्यों लगा रही है? ये भी इवेंट, मुझे पता चला इवेंट अच्छा, मैं लिपस्टिक ज्यादा लगा रही हूं। हां मैं तो ध्यान ही नहीं होकर आए, आप भी टिंट लगा लें, टिंट लगा, मुझे लगा कह रही है आप भी टिंट करवा लें। और यहाँ पे हम एक हार्ट बना देते हैं, और यहाँ पे हम इसके तुम्हारे मुँह पे क्या नाक लगा हुआ इतना बड़ा लगा के घूम रही हो? समझा तू नहीं समझा, मुझे पता है मिट्टी कहाँ से आई है। और यार आप ही टैग दो तो टैग लगा के कह रही है जाके खाना खा ले। तो हम लोग जा चुके हैं आज पता चला डकी भाई 26 साल के 26 नहीं डकी भाई 26 साल के है। वाह, मेरे से बड़े या छोटे मुझे नहीं पता, मैं क्यों बताऊं। 1997 ओके फातिमा, मुझे आज पता चला डकी भाई 26 साल के। तो समझा तो नहीं समझा, तो समझा तो नहीं समझा। बराबर इतना इतने झूठ। डकी भाई की तस्वीरें आ चुकी हैं, भाई खुद नहीं आए अभी तक। ओह माय गॉड, यहाँ पे आग है तो थोड़ी हम आग सेक लेते हैं। प्रैक्टिस, वाओ कितनी अल्टीमेट फीलिंग है ये, वाओ। जैनब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, इनको बोलो कि हमें खाना पहले, हम खा के टून्स के पहले ही फारिग हो जाता है। अच्छा वैसे कुछ ब्लैक ब्लैक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? खाना पहले मिल सकता है? अंडा बर्गर चिकन क्या लेंगे? मेन्यू में क्या क्या है वैसे? ब्लैक पेपर चिकन, एग फ्राइड राइस, पूरी और लाइव बार। तो ये याद करने में दो दिन लगेंगे, तीन दिन मुझे 10 मिनट लगे। सूप नहीं देना आपने? ओ नहीं नहीं, सूप इसने छुपा लिया, घर लेके जाना। क्या तो कब तक खाना मिलेगा? छोटा बिजनेसमैन गाइस, इस छोटे बिजनेसमैन से कुछ सीखे। वाओ सच एन इंस्पिरेशन, सीरियसली। बस वे बता रोटी कब मिलेगी? अभी डकी भाई तो आए नहीं है, वो एज यूजुअल लेट है। डोगू, हाँ ये सारा सेटअप आपने खुद संभाला है? डेकोर अलग है, वैसे हमारा फूड और वगैरह। यार वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे पूरा से ज्यादा मैच्योर यार, बिजनेसमैन हूं यहां मेरी, ये बिजनेस बच्चे हैं वो। बट इट्स वेरी गुड, सारा आपने खुद हैंडल किया है, दैट्स ग्रेट। नॉट रियली बढ़िया, बट फिर भी स्टार्ट है तो इट्स अ गुड थिंग। मेरा स्कूल बंद का यही जॉब करनी है मैंने। अच्छा ज़ादम भी कहेगी बटर चिकन पेपर चिली। हैप्पी बर्थडे टू यू, इतना बड़ा ग्राउंड तुमने बुक करके वहां से सारा दिख देख के एक्टिंग कर लेता हूं। आर यू वन? आर यू टू? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। अरे कैसे हो आप लोग? अरे भी दूसरे से मैं तो घर में भी गर्मी लग रही है। आई फॉरगॉट टू शो यू द केक। हैप्पी बर्थडे, कितना प्यारा लग रहा है। जो क्यूटू सा रेड कलर का जो बॉक्स है ये अभी इकरा और रिंकी तरफ से हमें रिसीव हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अभी हमें खोल के रिएक्शन बताओ कि कैसा लगा। चलो बताओ, खोलते हैं भाई। पहला गिफ्ट हंसी आएगी इनको, क्या है मेरा चैलेंज खराब करने के चक्करों में ये। अच्छा खोलने हैं ओरियो बिस्किट, कुछ और लग रहा है मुझे तो। मेरे बाकी बेचारे को टोपी तो बनती है यार, हम शर्म के बारे मुंह कहाँ छुपाए जो सभी टोपी लेके आए हुए। अच्छा वो अनदर है, वही टोपी छुपी नहीं है, मुंह छुपाने के लिए कुछ होगा। वो आपके लिए भी एक गिफ्ट रूप के लिए। अच्छा हम ये भागते कदम से अपनी टोपी लेने, टोपी ने अपना गिफ्ट लेने और उनका रिएक्शन देखने। ये सब साथ आ रही है। तो ये फातिमा ने गिफ्ट लिया है, और ये राबे, राबे तुमने कहाँ से गिफ्ट लिया? मैंने भी लिया था। झूठी, ये मैंने लिया अपने लिए, अपने लिए नहीं डकी भाई के लिए। तो भाई अब बारी है डकी भाई को अपना गिफ्ट लेने की। शिशवाली जी की पांचों बहनों को बुलाने का फायदा है।
फैसल की तरफ से थैंक यू सो मच। अब मुझे थैंक यू भारी लगे आपकी डाइट खराब करने के लिए। मेरा तो ओपन कर लेना। थैंक यू सो मच यार, ये वैसे ये पड़ा होना चाहिए कमरे में वैसे। अब पहले मेरा वाला ओपन करके देखें और बताया आपको कैसा लगा। ये वाला ओपन अभी नहीं खोल रहा मैं, खोलता हूं यार बाद में। अब मेरा गिफ्ट अनबॉक्स होने लगा। फोन नंबर ये क्या है? नहीं उन्होंने खुद ही लिखा है। खुद लिखा हुआ है, पता नहीं कोई कार्ड वगैरह नंबर लिखा हुआ था। किसने कहा था टिंड करवाए? अपनी इमेजिन अपनी बर्थडे पे मैं लेट आया कौन सा है? अब होने लगी फातिमा की गिफ्ट अनबॉक्सिंग। दोनों ही फातिमा की गिफ्ट अनबॉक्सिंग है। समथिंग पूरा एस्ट्रोलॉजी की ग्रुप की तरफ से जो है हमें ये मिला है पर्पल और ग्रीन कलर का बॉक्स। मेरा भी साथ है। ऐसे क्यों मजाक उड़ेगा मुझे अभी से बता दो फातिमा। ये वाला तो बहुत मैडम का रिएक्शन है। अच्छा वाला रिएक्शन देना आपने। बहुत बेहतरीन। तीन तीन सबके साथ है दोनों भी खड़ी हुई है। और अरूप के लिए भी ढूंढना मार लिया तो बहुत मुश्किल काम था। आपको गिफ्ट है ये किसके लिए? ये रूम के लिए, दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। हस्बैंड वाइफ के लिए क्या पे? ये क्या है? ओए उसकी कैप रिमूव करें, कैप रिमूव करें, उसकी कैप लकी भाई निकलेगा। दस मिलर डिडिंग डिडिंग अंदर से काका निकले और उनका भी है। आपका काका तो मैंने ले लिया। गंजा काका निकले भाई साहब। हम इससे ज्यादा सीरियस हो ही नहीं सकते कभी। हम इतने ही सीरियस है मतलब हर किसी ने ना प्रैंक करने का सीरियस दिया। और ये बहुत सीरियस गिफ्ट है। बहुत सीरियस है। आपने बहुत सीरियस गिफ्ट है। क्या है क्या है क्या है? बहुत सीरियस गिफ्ट है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में नारंगी को मिली है। खोल के देखें कंघी। मेरी एक साल से कंघी घूमी है, मैंने नहीं ली। ये हुआ ना हमारी तरफ से सीरियस गिफ्ट। मैं वहाँ पे ऐसे बैठी थी, मैंने कहा यार ये कितना क्यूट, किसके लिए डेकोरेट किया हुआ है इनमें से? तो एक डोनट तो मैंने ले लेना और लेके भाग जाना है। ओह माय गॉड इतना मजे का बात। खाना खाने के बाद तो जाके खाती हूँ लाजमी, इससे पहले कि तुम्हें कोई और ना खाए। ओके गाइस अब मैं इधर आ रही हूँ, यहाँ पे रोटियाँ जो है बन रही है, रोटी पूरी बन रही है। अभी मैं आपको लाइव पूरी दिखाती हूँ। भाई भाई हमारे इतनी महारत से अभी इसमें पूरी डालेंगे। वाह यार, वैसे मैंने ना पहली दफा बर्थडे में पूरी देखी है। पूरी भटूरे काइंड थे, हम पूरी कहते हैं। नहीं पूरी होता है। यहाँ पे कबाब बन रहे हैं, लाइव कबाब काइंड थिंग। आंखों में जा रहा है, आंखों में बहुत कुछ जा रहा है। जी बाजी एक खा मैं अपना खाना तो बंद हो गया। खाना तो बंद सीख बस गई इतना ज्यादा वो है। और यहाँ पे राइस ये सब चीजें हैं, समथिंग चाइनीज। चिकन चिली समथिंग, मुझे नहीं पता। थैंक यू। सब खाना खाने चले गए हैं, लाइट भी चली गई और यहाँ पे चेयर्स खाली हैं। हम अपनी प्लेट लेके इसको फिल करते हैं। ओके गाइस तो ये जो मेरी बहन है इसने ना प्लेट भर देखते हैं क्या क्या है मेन्यू में। तुमने रखा क्या अपनी प्लेट में? ये सिर्फ कहना चाहती यार इतनी मजे की उन्होंने पूरियां रखी है, तुमने एक भी नहीं ली पूरियां। यही सोचा मैं, आई लव राइस, मम्मा की याद आ रही है मेरे। मुझे भी मम्मा उधर से डेंटिस्ट से आई हुई है और बैठी हुई है। थैंक यू। सिर्फ एक भाई, सिर्फ एक मिट्टा गिफ्ट। जस्ट जोकिंग। और भी जैनब ने खाना डाल लिया है। खा क्यों नहीं रही हो?
दिल नहीं कर रहा वाकई इतना ज्यादा खाना वेस्ट करना है। मेरा देखो तो ये एक कबाब इसमें रखो जरा क्या? ये वाला कबाब इसमें रखो। और गाइस तो ये यहाँ पे खाना खा रही है, ये भी खा रही है, मैंने खा लिया है, बहुत मज़े का खाना था। और अभी केक कटिंग सर्व नहीं होगी, फिर हम निकलेंगे घर को क्योंकि बहुत रात होगी और मेरी अम्मा फोन कर करके घर से बुला रही है। मुझे कुकी चाहिए क्या? मैं कह रही हूँ हाँ ये आधी प्लेट खाली है ना, ये देख रहे हैं सारा गाय पहले किया वैसे खा सकते हैं ना खाने के लिए, मतलब खाने के बाद खा सकते हैं, खाने के लिए ढकने का थोड़ी है, खाओ स्पून से खाओ। तुम लोगों ने खाने का किसी ने रोका, अब हाजिर की बारी, खाए खाए लोग हैं सब शेयर कर। अब मैं तुम्हारा छोटा है भाई, थूके वूके लगी हुई है, कोई शेयर कर रही है। यहाँ पे चल रही है मीठा पार्टी एवरीवेयर, वो भी केक है, मीठे में भी केक है, मुझे भी चाहिए, थैंक यू। उन्होंने अपने बांट दिए, बहुत खाली होके खड़े हो गए हैं। सारी एस्ट्रोलॉजी ने पार्टी पॉपर पकड़ ली है, पहले उनकी टोपियां दे दे के उनकी वाट लगाई है, अभी ये पार्टी उन्होंने छोड़ेंगे। सिर्फ एक बंदे को ऑफर किया हमने, उसने कहा हमें दे दे, इनकी मासूमियत पे ना जाना, नहीं मुझे कभी ऐसा प्यार घर में भी दिखाया करो, नहीं मुझे खींच के मांग रहे छोड़ दो जाना मुझे, इतना प्यार वाकई उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने लड़ रही है एक ही चीज पे, यार मेरी बात सुनो, नहीं करो, वो कह रही है मुझे ये स्टोन स्प्रे चाहिए और वो कह रही है मैंने नहीं देना। आप तो एक तपड़ी वाली हरकतें लड़ो नहीं, छीन ही लिया, बड़ी बहन ही होती है वाकई। रो रही हो? पहले बुझाए फूंक तो मार दो, फूंक मार दो, बड़ी बड़ी पार्टी पॉपर। Happy birthday! Happy birthday to you! 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 Happy birthday to करके बैठी है केक पे ऐसे पागल। थैंक यू, पहले तो मैं खिलाऊंगी आपको और अब मैं भी खाऊंगी। थैंक यू, उतर गिर ना जाए। थैंक यू दावा को मिला नहीं दूर से ही। थैंक यू, पकड़ का मतलब समझ में आया। मैं सारों के ब्लॉग खराब करूंगा, कौन कौन ब्लॉग, कोई नहीं बना रहा। जितनी टोपियां इकट्ठी हुई है ना, वो सारी सर पे आ गई है। कि अब यहाँ पे एक सरप्राइज है, लेकिन हमें एक्ट करना है, कटिंग होने लगी है कि वी डोंट नो, बिकॉज डकी भाई ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है कि आपने एक्ट करना है कि वी डोंट नो अबाउट द सरप्राइज, सो लेट्स गो। ये पुरानी है, सेवंथ कॉपी लग रही है, सेवंथ कॉपी का चलो चले
चलें चलो चलो यार चलें निकल रहे हैं चलो यार अच्छा लगा आप लोग आए थैंक यू सो मच यार थैंक यू अल्लाह हाफिज बाय बाय डोंट हेट मी आफ्टर दिस चलें चलो यार वो कहाँ पे है उसको ये ज़्यादा हो गया अभी ऐसा यार और मैंने बोला मैंने बोला ये आइडिया बहुत पुराना हो गया मैंने कहीं मेरी गर्दन उड़ाएगी आज ये सारी प्लानिंग की हुई थी इन्होंने यार आप लोग गवाही दो कि हमने शुगर लगाया इसके साथ हम प्रैंक कर रहे थे नहीं कुछ भी नहीं था और लड़ाई मेरा पर क्या गया And I'm sorry, सच में प्लान था। डकी को एक सेकंड में यार खुद ज़्यादा खुद रोए। डकी को पकड़ के मुक्के मारने चाहिए। डकी कितने साल का हुआ? 26 26 मुक्के मारे एक बात कहना चाहती हूँ आवाज आई थी ना ये आइडिया बहुत कॉमन हो चुका है वो इसकी थी वो मेरी थी आइडिया बहुत कॉमन हो चुका है किस चीज की बात गिफ्ट का आइडिया बहुत कॉमन किया था तो इट वॉज प्री प्लान बाय डकी भाई अच्छा था तुमने बोला था हाँ मैंने देखा कि एक यहाँ से जूता मारेगी मुझे कर दी सांस मास्टरमाइंड डकी भाई उन्होंने तुम लोगों ने जाके एक्स्ट्रा क्लास लेना अच्छे से यूज कीजिएगा अच्छे से धोके पहनिएगा लाजमी लाजमी आप देखिए ना आपको मेरे पे वो चाहिए तो मैं नजर आऊंगा मैं थैंक यू ओके बेटा ओके गाइस तो अब हम लोग निकल रहे हैं ऐसे घर अरी भाई और अपी के साथ आज तो तुम वैसे मेरे घर रह सकती है ना आज मैं अपी के घर रहने जा रही हूँ रह रहे थे सबने मुझे स्पेस दो स्पेस दो मैं ये बच्चा मैं हड्डी मुझे सच में लग रहा है कबाब में हड्डी बन के जा रही हूँ जगह हमारे पास आ जाओ दिल में जगह होनी चाहिए दिल में जगह होनी चाहिए मेरे घर में भी बड़ी जगह है घर जाओगी हाँ तो हम लोग जा रहे हैं घर एंड देन बाकी की चीजें क्या दिखाना है खत्म होने वाला ओके गाइस तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर में आई थी ज़रा आपी और अरीब के साथ और जो फातिमा और राबिया हैं वो अपना पहले ही आ गई थी तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी और अब ये लोग जा रहे हैं टाटा बाय बाय करके बाय ये ना मम्मा दरवाज़ा ही ना खोले सो गई हूँ और मैं बाई ही खड़ी रहूँ नहीं नहीं रह दे दो अभी खोल देती हैं ओके गाइस तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो